नमस्ते गाइस, और आज की वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि क्या यूएफसी 283 की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया। तो जी हाँ, यूएफसी 283 की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने वाली है और इसको कैंसिल करने के रीजंस अभी तक यूएफसी ने डिस्क्लोज नहीं किए हैं। सारे फैंस वेट कर रहे थे 283 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, पर विदाउट एनी प्रायर नोटिस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करना रियली डिसअपॉइंटिंग था। लिटरली यूएफसी का ये पहला पे पर व्यू इवेंट था इस साल का, और फर्स्ट इवेंट में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का कैंसिल होना अच्छी बात नहीं है। बस अब यही होप है कि इस कार्ड के को मेन और मेन इवेंट फाइटर्स सक्सेसफुली वेट लिमिट के अंडर आए। It wants to finish, man. So when he went to the octagon in Dallas, he was massive. And everybody questioned. 10, I think. Yeah, it has. And you know, they told me last night, 205 for Glover Teixeira. He said he weighed 235. आज की नेक्स्ट फाइट न्यूज में चार्ल्स ओलिवेरा ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में शॉट्स फायर किए कॉनर मैकग्रेगर पे और कॉल आउट किया इस्लाम महाचेव को। तो चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा कि वो फुली तरह से फोकस्ड है अपनी बेल्ट वापस लेने के लिए। वो रेडी है अप्रैल या फिर मार्च में फाइट करने के लिए, और अगर यूएफसी को लगता है उसका नेक्स्ट ओपोनेंट बेनिल दारियुश है तो वो रेडी है बेनिल दारियुश से फाइट करने के लिए। कॉनर मैकग्रेगर पे चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा कि कॉनर मैकग्रेगर इज नॉट फाइटिंग, इसलिए उसका पूरा फोकस्ड है टॉप ऑफ द डिवीजन में। वो फाइट करना चाहता है टॉप डिवीजन के फाइटर से जो उसको क्लोज लेके आते हैं टाइटल फाइट के। अलेक्जेंडर वोल्केनोव्स्की या फिर इस्लाम महाचेव में से कौन जीतेगा, इस पर चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा कि ये फाइट दोनों फाइटर्स के लिए काफी मुश्किल फाइट है। अगर फाइट ग्राउंड में जाती है तो इस्लाम महाचेव के चांसेस जीतने के इंक्रीज होते हैं, पर अगर अलेक्जेंडर वोल्केनोव्स्की मैनेज कर लेता है पंच लैंड करने का तो अलेक्जेंडर वोल्केनोव्स्की भी इस फाइट को जीत सकता है। इस साल के एंड में चार्ल्स ओलिवेरा किससे फाइट करना चाहता है, इस्लाम महाचेव से या फिर अलेक्जेंडर से? इस पर चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा कि वो फाइट करना चाहता है इस्लाम महाचेव से। आज की नेक्स्ट फाइट न्यूज में बात करते हैं मिडलवेट चैंपियन एलेक्स परेरा ने रिवील किया कि वो कब फाइट करने वाला है और उसका ओपोनेंट कौन होगा। तो एलेक्स परेरा के अकॉर्डिंग वो चाहता है कि वो अपना कमबैक करे अप्रैल या फिर मई में। उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होगा इस पर अभी तक कोई प्लान नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली उसे लगता है कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट इजराइल अदेसानिया होगा। अगर उसका नेक्स्ट ओपोनेंट इजराइल अदेसानिया नहीं हुआ तो फिर वो फाइट करेगा रॉबर्ट विटेकर से। आज की नेक्स्ट फाइट न्यूज में बात करते हैं जॉन जोन्स के बारे में। 2009 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि जॉन जोन्स अपने पूरे यूएफसी करियर में अंडरडॉग बना है। जॉन जोन्स वर्सेस सीरियल गान की फाइट में जॉन जोन्स अंडरडॉग है, यानी कि सीरियल गान इस फाइट को जीतने के लिए फेवरेट है। अगर तुम में से कोई बेटिंग करता है तो मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जॉन जोन्स पे पैसा लगा दो, क्योंकि थोड़े ही टाइम बाद 100% जॉन जोन्स के ये बेटिंग ऑड्स चेंज हो जाएंगे। जॉन जोन्स के इस फाइट को जीतने के चांसेस काफी हैं, और अगर जॉन जोन्स इस फाइट में रेसलिंग यूज करता है तो ये चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। आज की नेक्स्ट फाइट न्यूज में बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डस्टिन पोरिये कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस माइकल चैंडलर की फाइट में कौन जीतने वाला है। तो डस्टिन पोरिये ने कहा कि माइकल चैंडलर को हिट करना काफी इजी है, स्पेशली कॉनर मैकग्रेगर जैसे फाइटर के लिए जिसकी टाइमिंग काफी सॉलिड है, बट इसके साथ कॉनर अपना रिटर्न काफी टाइम बाद मार रहा है, तो ये भी देखना होगा कि इतने बड़े ले ऑफ के बाद कॉनर की टाइमिंग कैसी होती है। बट अल्टीमेटली वो पिक करता है कॉनर मैकग्रेगर टू विन अगेंस्ट माइकल चैंडलर। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।